नमस्कार, मैं जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। ये बहुत लंबे समय से एक डिमांड रहा है आप लोगों का और मैं भी मिस कर रहा था। टॉपिक क्या है? टॉपिक है टी बैग। देखिए, मोस्ट पॉपुलर है आज के डेट में। आप ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, रेलवे स्टेशन पे या किसी होटल्स में जाओ, देखो टी बैग रख देते हैं। दो चार टी बैग रख देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री चाय दे देंगे, कॉफ़ी देंगे। उसमें अच्छे होटल में जाओगे तो और भी ऑप्शन होंगे, लाइक ग्रीन टी वगैरह का ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश ब्रेकफास्ट का। ये सारे चाय जो है एक छोटे से बैग के अंडर डाल देते हैं, जिसको टी बैग बोलते हैं। टी बैग एकदम ईजी है, इस तरीके से बनाते हैं लोग। इसके कई मॉडल्स होते हैं, पिरामिड टी बैग, अभी स्टेपलर मारा हुआ है इसमें टाटा प्रीमियम की चाय में, पहले की है। आजकल किसी चाय में वो स्टेपलर का सिस्टम नहीं होता है। देखिए, ये श्रीलंका की है, यहाँ भी स्टेपलर मारा हुआ है, लेकिन आजकल स्टेपलर बंद हो गया है। मैं बहुत सारे टी बैग हैं मेरे पास, मैं दिखाऊँगा किस तरीके से बनते हैं। इसके मशीनें काफ़ी ऑटोमेटिक होती हैं, एडवांस होती हैं, कॉस्टली भी होती हैं। तो बेसिकली टी बैग है क्या? देखिए, टी बैग कुछ लोग इसको बोलते हैं टी बैग, कोई डीप टी बैग या डीप बैग ऐसे बोलते हैं। छोटे से बैग होते हैं जिसमें 1.5-2 ग्राम चाय, 2.5 ग्राम तो कोई डालता नहीं है, 1.5 से 2 ग्राम, बात समझिएगा, 1.5 ग्राम से 2 ग्राम के आसपास इसमें चाय डालते हैं और ये रेडी होता है। गर्म पानी में जस्ट डिप करिए और कुछ देर में चाय बन के तैयार। कहीं कहीं पे क्या है, मिल्क पाउडर छोटे वाले देंगे, चीनी के जो सैसे होते हैं वो दे देंगे और टी बैग होंगे, आप खुद से चाय बना लो, पी जाओ। फ्लाइट में भी है और रेस्टोरेंट में भी है। आजकल टी प्रीमिक्स भी आ गई है। टी प्रीमिक्स क्या है? उसमें चाय पत्ती, इंस्टेंट टी होती है, दूध और चीनी पहले से मिक्स कर देते हैं, बस वो गर्म पानी में घोलो, पी जाओ। भाई, जितने भी इस तरीके की चाय है मोस्टली इन्फीरियर क्वालिटी होती है, इस बात को मानिए। चाय की असली मज़ा लेना है, स्वाद लेना है, तो ओरिजिनल चाय को खुद से बना के पीजिए, उसकी मज़ा ही अलग है, लेकिन मैक्सिमम इन्फीरियर होती है। तो आज मैं कुछ टी बैग के बारे में बताऊंगा कि टी बैग है क्या, किस ढंग से तैयार की जाती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चाय कौन सी ब्लेंड होती है, किस तरह की चाय भरते हैं। तो देखिए, ये जो डीप टी बैग या टी बैग है, टी बैग में किसी भी तरीके की चाय दी जा सकती है। लाइक चाय, वो ब्लैक टी हो सकती है। अब ब्लैक टी में क्या है, एक CTC है और एक ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स तो CTC ऑर्थोडॉक्स, ये भी चाय दे सकते हैं। ग्रीन टी दे सकते हैं, ग्रीन टी में कौन सा ग्रेड यूज होता है ये भी मैं बता दूंगा। ओलोंग दे सकते हैं, ओलोंग टी भी होता है। दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स दे सकते हैं, ये जो है ऑर्थोडॉक्स में आप दार्जिलिंग भी दे सकते हैं, सारी चाय दे सकते हैं। अब इसके अलावा अब वाइट टी वगैरह कोई देता नहीं है, ये मेनली जो है ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी। ब्लैक टी में दोनों कैटेगरी है, CTC का, ऑर्थोडॉक्स का, असम का भी है, दार्जिलिंग का भी है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि किस ग्रेड का उपयोग ज़्यादातर कर की जाती है। तो सिंपल सी बात यह है कि इसमें CTC की अगर बात करें, CTC की बात करें, तो इसमें मैक्सिमम OF या PD, ऑरेंज फैनिंग और पिको डस्ट, कुछ हद तक डस्ट भी इसमें देते हैं, डस्ट भी ख़राब नहीं है। तो OF, PD, डस्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है या कोई एक हो सकता है या दो हो सकता है। तो ये चाय देते हैं मैक्सिमम CTC में, इंस्टेंट कलर लाने के लिए, फटाफट कलर आएगा। और ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो यहाँ पे TGOF या TGBOP मैक्सिमम ये साइज को देते हैं। अब जितने छोटे ग्रेड होते हैं उतने ही दाम उसके कम होते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स के चाय, चाहे वो दार्जिलिंग का हो, असम का हो, किसी भी एरिया का हो, इवन ग्रीन टी में भी और ओलोंग टी में भी ये ग्रेड दी जाती है। अब इसमें एक और बात आती है, भाई हमने तो
तरह तरह का चाय ट्राई किया है, इसमें ये फ्लेवर है, उसमें वो फ्लेवर है। अब चाय बेसिक यही है, इसमें कई तरह का फ्लेवर डाल देते हैं, कई तरह का, कोई ऑरेंज का फ्लेवर दे देगा, कोई अदरक का दे देगा, कोई इलायची का दे देगा, इसमें कोई इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना देगा, कोई लेमन दे देगा, कोई तुलसी दे देगा, कोई चॉकलेट दे देगा, मतलब फ्लेवर की भरमार है। ये फ्लेवर ओरिजिनल भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, या सिंथेटिक हो सकता है, कोई केमिकल बेस भी हो सकता है। तो भाई फ्लेवर चाय पीने से थोड़ा सा बच के रहिए, सावधानी रखिए। कुछ कंपनियां जो है ओरिजिनल फ्लेवर भी देती हैं। तो वैसे टी बैग मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए एक दो मैं काटूंगा और दिखाऊंगा उसके अंदर ग्रेड क्या है, ठीक है। अब टेस्टिंग टेबल पे आते हैं। अब मेरे पास चाय देखिए, ये श्रीलंका का टी बैग है, जो सिलोन टी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर क्या है, ये भी श्रीलंका का है, ये मैं बाहर गया था तो मैंने लाया इसको। और ये जो है दार्जिलिंग की है, ये तुलसी फ्लेवर की चाय है, इसमें क्या है, हर्बल ग्रीन टी लिख रखे हैं। ये जो है ये भी ग्रीन टी है, दार्जिलिंग की है। और ये टाटा प्रीमियम की एक CTC चाय है, टाटा अग्नि भी लाया है, गोल्ड भी है, तो एक ऐसे ले लिया। और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करके है, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, अब इसको भी हम देखेंगे इसके अंदर में क्या है। और इसमें कुछ फ्लेवर वाली चाय भी है, लाइक लेमन फ्लेवर में है, ये दार्जिलिंग की चाय है, तुलसी वाला मैंने ले रखा है। तो फटाफट एक दो चाय को मैं काटूंगा और देखूंगा क्या है। तो सबसे पहले हम तुलसी दिखाते हैं भाई। तुलसी चाय का जो टी बॉक्स है, टी बैग है, एक ऐसा है, देखिए टी बैग सिंपल तरीका से बनाया गया है, इसमें आज के डेट में स्टेपलर वाला काम नहीं होता है, ठीक है। उससे पहले मैं एक काम कर दूं, पानी मेरे पास गर्म है, तो सबसे पहले एक श्रीलंका के चाय में टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो दार्जिलिंग वाली चाय है इसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अब इसके बारे में बताऊंगा, टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसको टी बैग को मैं काटता हूँ, ये श्रीलंका की है, इंडिया का भी देखेंगे। और टी बैग को काटा और ये कार्ड पे रख दिया, और तो सोचेंगे भाई काट दिया तो फिर कैसे लिखा लगेगा इसका, वो भी देखेंगे, तो दिखाने के लिए तो काटना ही पड़ेगा। अब देखिए ये श्रीलंका की चाय कितनी फाइबर है, फाइबर है, इसमें डस्ट भी है, पीडी भी है, ओएफ भी है, और फाइबर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। ये श्रीलंका में चाय बनती है, ठीक है। अब इस चाय को हम लीकर लगाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा मैंने इन्फ्यूजर लिया है छोटा सा, इस इन्फ्यूजर में मैं डालूंगा इस चाय को और गर्म पानी के अंदर डुबो दूंगा। तो इन्फ्यूजर में डाल दिया, फिर इन्फ्यूजर को मैं बंद कर दूंगा। इतनी डस्ट है कि इन्फ्यूजर से भी चाय निकल रही है, ये देखिए, ठीक है। चलो गर्म पानी भी डाल देता हूँ, आधा आधा कप ही लूँगा क्योंकि मेरा कप बड़ा है। अभी ये हो गया, एक चाय को इन्फ्यूजर में डाल दिया, इसको रख देते हैं थोड़ा देर के लिए, क्या कलर निकल के आता है। दूसरा चाय मैं ले लेता हूँ, टाटा प्रीमियम की, टाटा प्रीमियम का भी मैं फाड़ता हूँ और इस चाय को भी देखता हूँ क्या है। देखिए अब टाटा प्रीमियम चूँकि डुआर्स तराई इंडिया की चाय देता है और चाय काफ़ी क्लीन है, तो यहाँ पे भी ओएफ की परसेंटेज ज़्यादा है, ओएफ और पीडी लिए हैं, डस्ट इसमें ना बराबर की है, ठीक है। चाय काफ़ी नीट एंड क्लीन दिख रही है, साफ़ सुथरा दिख रही है। इसको भी इन्फ्यूजर में डाला, देखिए ये इन्फ्यूज़र एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स चाय के लिए है, तो मैं CTC में तो देखो ज़बरदस्ती का यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। ये ऑर्थोडॉक्स की चाय के लिए है, तो मैं चूँकि दिखा सकूँ इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको डाल दिया, चूँकि डस्ट बाहर निकल जाते हैं, तब तक दो चार मिनट टाइम लगेगा इसको होने में, तब तक मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। एक और श्रीलंका की जो चाय है ये देखिए, अब ये वाली चाय अच्छी क्लीन ब्लैक है, साफ सुथरा है। जो अभी करंट मैं ये चाय की बात करूँ, ये जो दिलमा करके है, तो सैलोन टी, ये उतना मज़ेदार नहीं था देखने में,
लेकिन दूसरी वाली जो है श्रीलंका टी बोर्ड, यहाँ साफ लिखा हुआ है उस पर, देखे होंगे आप, तो ये चाय साफ़ सुथरा अच्छी दिख रही है, तो इसको मैं नीचे रख देता हूँ। अब जो है ये इंग्लिश, देखिए दार्जिलिंग ग्रीन टी दिखाता हूँ मैं, दार्जिलिंग ग्रीन टी में क्या है, दार्जिलिंग ग्रीन टी का कि ये इसमें स्टेपलर लोग नहीं मारते हैं, आजकल के टाइम पे स्टेपलर बैन हो गया है, ठीक है। दार्जिलिंग ग्रीन टी में जो पैकेट भी स्ट्रांग भाई, देखो बाकी तो आसानी से फट गया, ये सही था। अब देखिए ये ख़राब हो गई है, ये कुछ दिन में ही चाय ख़राब हो गई है, टी बैग ये कुछ, ये तो चाय सड़ गई है भाई, ख़राब हो गई है, ठीक है। ये ग्रीन टी का ग्रेड कौन सा था, टीजी बीओपी या टीजी ओएफ। ये चाय फ्रेश होगी, देखिए ये अनोखा सा है, ये अलग सा है, इसको भी मैं एक कप मंगाता हूँ और इसमें अलग से लगाता हूँ। ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट है। अब इस चाय की बड़े दाने हैं, इसको पहले इन्फ्यूजन करूँगा, उसके बाद से मैं दिखाऊँगा। अब ये लग्जरी चाय में आता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ये किसी 5 स्टार होटल से मैं लाया था और काफ़ी फेमस है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। भाई दार्जिलिंग का ब्लैक ऑर्थोडॉक्स है, टूटता भी नहीं है, कॉटन टाइप के बैग हैं इनके, ठीक है। ये देखिए जब तक ये हो रहा है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा ठंडा पानी चाहिए था इसलिए मैंने ये कर लिया। अब ये चाय रेडी है, इसमें मिल्क डालेंगे और देखेंगे क्या इसका कलर आ रहा है। काफ़ी देर रख दिया, लोग दूध पानी चीनी सब कुछ मिलाने के बाद ही करते हैं लोग, और ये श्रीलंका वाला था। इन्फ्यूज़न भी देखेंगे इसका कैसा है, इन्फ्यूज़न है, ये असम की ब्लैक टी है, काफ़ी अच्छी है। तो और भी कुछ बातें हैं बताऊंगा और आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। अभी इसमें मिल्क ऐड करेंगे, फिर इसका कलर देखेंगे और टी बैग में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, बने रहे वीडियो में। अब दोनों चाय में मैं दूध ऐड कर रहा हूँ, ये श्रीलंका वाला था, ये टाटा प्रीमियम इंडिया वाला था। अब इसकी कलर देख पा रहे होंगे, कलर क्या है, यह कलर में तो मुझे इंडिया की ज़्यादा कलरी दिख रही है। एक एक चम्मच और ऐड करता हूँ जिससे कि आप बढ़िया से देख सके हैं। अब टी बैग का जैसे मैं बताया था, ये ज़्यादा चाय जो है अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, इतना देर प्लेन पानी में इन्फ्यूज़न करने के बाद से ये निकल गया है, मोरलेस बराबर ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। श्रीलंका का थोड़ा सा पिंक जैसा दिख रहा है और कोई ख़ास कलर मुझे नज़र नहीं आया। टी बैग की क्वालिटी आप समझ पा रहे होंगे। इन्फ्यूज़न में दिखाता हूँ आप लोगों को, इन्फ्यूज़न जो है, इन्फ्यूज़न ये थोड़ी सी, चलिए इन्फ्यूज़न का वैसी है, इन्फ्यूज़न ठीक है, ब्राइटर है और उतनी काली नहीं है, ठीक ठाक है। टाटा प्रीमियम का देखते हैं, ये टाटा प्रीमियम डुअर्स तराई की चाय, ये देखिए इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, चाय का आईना होता है, एक्सरे मशीन, ये टाटा प्रीमियम का इन्फ्यूज़न काफ़ी डाउन है, श्रीलंका का तो बढ़िया ही है। तो आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखते हैं तो इन्फ्यूज़न काफ़ी ख़राब है, ऐसा ख़राब इन्फ्यूज़न की चाय अच्छी नहीं होती है। चाय जब पैक करें टी बैग में तो कम से कम डस्ट पीड़ी तो सस्ती होती है, कम से कम अच्छी लिकर करेक्टर का चाय दे जिससे उसकी स्वाद लिकर वगैरह सब बना रहे, ठीक है। अब ये चाय का भी मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, ये चाय बहुत ज़बरदस्त है, इसको मैं फेंकने वाला भी नहीं हूँ, मैं पीने वाला हूँ। चाय चूँकि बैग को फाड़ना भी बहुत मुश्किल है इसका। अब इसकी इन्फ्यूज़न देखिए, मैं पहले ही इसको ये कर लिया, इसमें क्या दिया है,
इसमें CTC चाय के साथ में ऑर्थोडॉक्स दिया है और बहुत बढ़िया इन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये भी इंडियन चाय है, ऑर्थोडॉक्स और CTC मिलाया है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाया है, और इन्फ्यूज़न देख सकते हैं, ये टाटा प्रीमियम के इन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो ये चाय काफ़ी ज़बरदस्त है, इसमें मिल्क आप ऐड नहीं कर सकते, बट आपको मिल्क मैं ऐड करके भी दिखा रहा हूँ। भाई 2 चम्मच उसमें दिया था, 2 चम्मच यहाँ भी डाल देते हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में मिल्क की ज़रूरत नहीं है, बिना मिल्क ऐड किए पी जा सकती है। अब देखिए दोनों की चाय, ये प्रीमियम चाय और ये जो है एक लग्जरी दूसरी ब्रांड की चाय थी, ये देखिए। तो ये रेड पियो, कच्चा पियो, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बिना मिल्क का पियो, चीनी आप ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ बात बता दूं, जैसे मैं बताया था कितने ग्राम देने होते हैं, 1.5-2 ग्राम चाय देने होते हैं, OFPD डस्ट, अच्छे इन्फ्यूजन वाली चाय दीजिए, अच्छे लीकर वाली चाय दीजिए। डस्ट चाय को थोड़ी सी अवॉइड कर सकते हैं, डस्ट में कंटेमिनेशन ज़्यादा होती है। आप ग्रीन टी पैक करते हैं, या ओलोंग टी, या दार्जिलिंग का ऑर्थोडॉक्स, या असम का ऑर्थोडॉक्स पैक करते हैं, तो उसमें क्या है, आप TGOF TGBOP वाला ग्रेड ले सकते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं। और इसके साथ कुछ भी फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं, लाइक मसाले का हो, लेमन का हो, तुलसी का हो, नेचुरल फॉर्म में यूज़ करिए, किसी भी तरीके का आप जो है उसमें सिंथेटिक फ्लेवर ऐड मत करिए, ज़्यादा बढ़िया होता है, ये बहुत लोग ऐड करते हैं, आप ऐसा मत करिए। चाय की मॉइस्चर कंटेंट लेवल को ज़रूर चेक करें, क्योंकि वही होगा, एक चाय मैंने फाड़ा और एक्सपायरी डेट के अंदर ही चाय ख़राब निकल गई, ठीक है। तो उसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा था, उतना पैक होने के बावजूद भी चाय अंदर से सड़ी हुई थी। एक और पैकेट मैं फाड़ता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इसको मैं फाड़ता हूँ, दूसरा पैकेट फाड़ता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या निकल के आता है। देखिए चाय तो इतना कम है, ये मोरलेस ये भी चाय ख़राब दिख रही है, ये भी ग्रीन टी है, फ्लेवर किया हुआ है, और इसमें जो है लेमन का फ्लेवर है, तो लेमन कहीं दिख रहा है, लेमन के ऑयल या कुछ फ्लेवर इसमें ऐड कर देते हैं, ये तो पेट्रोल जैसा गंध कर रहा है, ख़राब हो चुका है भी। तो फ्लेवर से आप बच कर रहिए, फ्लेवर ऐड करते हैं नेचुरल दीजिए, क्योंकि कुछ फ्लेवर्स होते हैं उसकी एक्सपायरी डेट अलग होता है, चाय की एक्सपायरी डेट अलग होती है। ज़्यादा कुछ डिटेल में समझना है तो आप ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस ढंग से इसकी ब्लेंडिंग की जाती है। आप बहुत सारे टी बैग के साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास के लिए अगर आना चाहते हैं तो सैंपल ज़रूर लाइए टी बैग का, अपने अपने एरिया का, जिससे उससे हम लड़ाई लड़ सकें और अच्छी क्वालिटी की टी बैग आपको एक ब्लेंड बना के दिखा सकूं। तो इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं समझने का है, किस फ्लस की चाय देनी चाहिए, किस रीजन की चाय देनी चाहिए, किस सीजन की चाय देनी चाहिए, और इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, कहाँ पर होती है, किस ढंग से जॉब वर्क करवाएँ, किस ढंग से इसकी पैकेटिंग करवाएँ, बहुत सारी बातें हैं। टी बैग का मार्केट एक अच्छी मार्केट है, रेडीमेड टी है, आराम से बनाइए पीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।